देखिए अभी क्या प्रॉब्लम है, ये जो है ना हमारा मशीन है, कंप्रेसर है, और यहाँ पे देखो HP पे जा रहा था, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि फीचर डायल जो आप देखो नया मैंने चेंज कर दिया। फीचर डायल चेंज करने के बाद भी फिर भी HP पे जा रहा है, तो यहाँ पे अब एक्सपेंशन वाल हो सकता है जो कि HP पे जाने का। तो यहाँ पे एक्सपेंशन वाल नहीं है, डायरेक्ट ओरिफिस छोटा छोटा है इसमें जो है ना ओरिफिस छोटा छोटा है, तो वही है। तो मैं उसको अभी जा रहा हूँ काट के ओरिफिस निकाल के और एक्सपेंशन वाल लगाऊंगा डायरेक्ट, और कैसे लगाता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। ओके ओके दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को दिखाता हूँ जो भी है कैसे करने का और क्यों प्रॉब्लम आया ऐसा और क्या प्रॉब्लम है। पहले आप एवरी पेपर ले लूँगा। देखो दोस्तों ये है, यहाँ पे काटने जा रहा था मैं, तो अभी क्या करूँगा ना, पहले इमरी पेपर सब पे मार देता हूँ क्योंकि हमको ज्वाइन भी मारना है ना, तो इमरी पेपर इधर से मार दूंगा ना यहाँ पे पूरा, तो क्या होगा कि इजीली अपना ब्रिजिंग पकड़ेगा, और अगर इमरी पेपर नहीं मारूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा ब्रिजिंग पकड़ने में, अच्छा से नहीं ब्रिजिंग होता है वही लीक होने का चांस रहेगा। देखिए अभी मारता हूँ इमरी पेपर में, ले लिया इमरी पेपर और अभी उसको इमरी पेपर मार कर दिखाता हूँ उसको। करना पड़ रहा है, HP जा रहा है मशीन हमारा, बहुत परेशान हो गए हम लोग। और ये पहले पर बता दे रहा हूँ, ये जो मशीन है कैरियर का अपना 10 टन का मशीन है, ये 5-5 टन का, दो मतलब 30 टन में 5-5 टन का 10 टन हो गया। और ये पुराना मॉडल है, अभी तो ये मॉडल बंद हो गया, दूसरा थोड़ा सा और अच्छा आ रहा है मॉडल। फिलहाल गरम करूंगा ऐसे दोस्तों, कभी भी नहीं, जब कीमती खबर मारो ना और जब नहीं निकले ना क्लीन होता से, तो क्या करूँ इतना गर्म कर रहा है। कभी भी आप जैसे कि कोई भी कॉपर की पाइप है और पुराना पाइप है, पुराना मशीन में काम कर रहे हैं, तो अगर आपको धंसेंगे ना तो अच्छे से क्लीन नहीं होगा, तो आप एक बार गर्म कर लीजिए। अगर ऑयल ऑयल जैसे कि ज़्यादा ओल्ड हो गया है, पाइप काला हो गया है, जंग लग गया है, तो उसको आप घसेंगे अच्छा से घसेंगे ना तो भी नहीं होता है, तो उसको एक बार गर्म कर लेंगे आप अच्छे से, तो जब घसेंगे ना तो एकदम क्लीन हो जाता है और जल्दी होता है। आपको जो टाइम लगेगा उसका आधे टाइम में हो जाएगा। और या तो कभी जैसे कि किसी बाइक पे आपका मशीन लेके आए और वहाँ पे बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है, तो उसको भी आप गर्म करके ऑयल को जला कर फिर घसेंगे ना, तो अच्छा से वो क्लीन होता है। अगर बिना मतलब गर्म की घसेंगे तो ऑयल वो वहाँ पे रहते करता है और अच्छे से क्लीन भी नहीं होता है, फिर जब आप मारोगे वही कार्बन बन जाता है, अच्छे से पकड़ता नहीं है। लगाने के बाद देखते हैं दोस्तों, जल रहा है लेकिन अभी चलेगा, इतना नहीं जल रहा है, ठंडी का देखिए। फटाफट हुआ